सिंगू बॉर्डर से किसान अपना लगभग सभी सामान समेट कर वापस जा रहे हैं। एक तरफ किसान जहां खुशी खुशी घर लौट रहे हैं, वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो इन किसानों के जाने से दुखी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन गरीब लोगों की जिनकी रोजी रोटी इन किसानों पर निर्भर थी। आसपास के प्रवासी मजदूरों ने बताया कि आंदोलन के दौरान उन्हें रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी नहीं पड़ती थी और न ही उन्हें खाने की कोई चिंता थी। लेकिन आंदोलन खत्म हो चुका है, जिसे एक बार फिर उन्हें खाने पीने और रहने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। कि जो लोग जा रहा है इनकी मांगे पूरी हो चुकी हैं और दुख यूँ हो रहा है कि जो लोग एकदम जा रहा है छोड़ कर और कोई वजह नहीं है। क्यों आपको दुख क्यों हो रहा है इनके जाने का? दुख यूँ हो रहा है ना कि बच्चे यहाँ लगे रहते थे, गरीब के बच्चों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, देख भी रहे हैं, कपड़े भी दे रहे हैं, ओढ़ने के लिए कंबल भी दे रहे हैं, गरीबों को बहुत साथ दी है इन लोगों ने। क्या मानते हो इनको? फिर क्या मानेंगे? क्या खुदा तो खुदा ही है और खुदा के बाद में खैर नीचे वाले बंदे तो हैंगे। पर यह है कि इन लोगों को दुख भी है और खुशी भी है कि लोगों की परेशानी हो गई। यही परेशानी होगा, गरीब आदमी का यहाँ बहुत चल रहा था, रोटी रोजी चल रही थी और किसानों में काम मिल जाता था, यहाँ पे काम भी मिल जाता था, मदद भी करते थे, पैसा भी देते, कपड़ों भी देते, बच्चों को ओढ़ने पहनने के लिए भी देते थे, सारी सुविधा गरीबों के लिए करा था। उनने दुआ कमा के ले गए गरीबों की, अच्छी दुआ कमाई होगी। कुंडली सिंगू बॉर्डर के आसपास रह रहे प्रवासी मजदूरों ने कहा कि यहाँ 12 महीने से आसपास के मजदूर खाना खा रहे थे। 24 घंटे लंगर चलता था तो खाने की कोई फिक्र नहीं थी। किसानों की मांगे पूरी हो गईं, इसलिए उन्हें खुशी भी है और इन्हें इनके जाने का गम भी। खुशी तो है, नहीं भी है, मतलब खुशी तो ये थी कि मतलब किसान आंदोलन 12-13 महीने से चल रहा था यहाँ पे, जो यहाँ के मजदूर लोग लंगर खा रहे थे, मतलब 24 घंटे लंगर चल रहा था, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब ये है कि आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि किसान भाई जो है अब जा रहे हैं अपने घर, तो दुख तो होता ही भाई, जिसका हमने खाया और जो है मजदूर लोग जो है चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मतलब हम लोग बहुत मतलब थोड़ा सा है, लेकिन चलिए सरकार भाई कानून वापस लिया तो किसान भाइयों को रोड तो खाली तो करना ही पड़ेगा। बता दें कि नेशनल हाईवे 44 लगभग खाली हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि कल यानी कि सोमवार तक सोनीपत कुंडली सिंगू बॉर्डर खाली हो जाएगा। पिछले एक साल से यहां पर रह रहे किसानों ने सड़क को ही अपना आशियाना बना लिया था और यहां के लोगों को अपना परिवार, जिससे बिछड़ कर ये सब वापस जा रहे हैं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।